सो आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं नोएडा सेक्टर 45 की है, जो रिसेंट की है अभी 1 नवंबर की। मनीषा नाम की एक लड़की होती है जिसके घर वाले उस पर हमेशा वायलेंस करते हैं, खासकर उसका भैया और भाभी मिलके। भैया भाभी के साथ साथ भाभी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। तीनों मिलके 1 नवंबर को मनीषा को पहले तो पीटते हैं, उससे प्रॉपर्टीज के पेपर पे सिग्नेचर लेने होते हैं उन्हें। जब वो करने से मना करती है उसे मारते हैं। वो मारने के बाद इस कदर बेरहम बन जाते हैं वो उसका भाई कि उसे जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद उसकी हड्डियां वगैरह तोड़ते हैं और एक ब्रीफकेस के अंदर उसे बंद करते हैं, और वो ब्रीफकेस गाड़ी में डालने के बाद नोएडा सेक्टर 45 से दूर भागपत जिला नाम की एक जगह है जहाँ पे खेत होता है, एक जंगल टाइप का समझ लो, सुनसान सा थोड़ा, वहां ले जाके उसे जला देते हैं उस ब्रीफकेस के साथ, जिंदा उसकी बॉडी को। जिंदा नहीं मतलब, वो बेचारी तो मर चुकी होती है, लेकिन जो उसकी बॉडी है उसको ऐसे ही जला देते हैं वो। सुबह तक उसकी बॉडी काफी हद तक जल चुकी होती है, लेकिन जब आसपास के लोग नोटिस करते हैं कि ये क्या है, तब उन्हें पता लगता है कि एक इंसान की बॉडी है जो जल रही है। और सुबह के टाइम पे वो बॉडी जलती हुई मिलती है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वहां आती है, वो चीज देखती है। उसकी वीडियो में तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो ब्लर होगी, पूरी मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता YouTube गाइडलाइंस के वजह से। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है, जिसे देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा फील हुआ है कि भाई इंसानियत किस कदर मिटती जा रही है। खैर, इस सब के बाद जब पुलिस जब तहकीकात करती है तो उसे सारी सिचुएशन पता लगती है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है, वो मैं तुम्हें पूरी आगे बताता हूँ। सो हे गाइस, इट्स मी धीरू मौंचिक और आप देख रहे हो धीरू मौंचिक एक्स्ट्रा। जो मेरी यूजुअल ऑडियंस है उसे थोड़ा सेटअप अलग सा दिख रहा होगा, दिवाली की सफाई चल रही है इसलिए मैं ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो मनीषा जो है काफी काबिल लड़की है, वो 22 साल की थी सिर्फ, और खुद के लिए वो जॉब करना शुरू कर दिया था उसने कि मैं अपने खर्चे, अपनी स्टडीज के खर्चे खुद से उठाऊंगी, खुद से अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है। और जो इसके पीछे वो एक रीजन है, वो रीजन ये है कि जब मनीषा 6th स्टैंडर्ड में थी अपने, तब उसके पिताजी जो होते हैं उनका हो जाता है ध्यान, और हर बेटी की तरह, हर बच्चे की तरह वो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। उनके ध्यान के बाद चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं उनके घर वालों के लिए, लेकिन मनीषा के लिए कुछ ज़्यादा ही बदल जाती हैं। और मनीषा के जो पिताजी पे वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, अराउंड 4-5 करोड़ की। मनीषा के पिताजी के देहांत के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो आधी आधी होती है, आधी मनीषा के लिए, आधी मनीष के लिए जो उसका भाई होता है। उसकी मम्मी हमेशा से ये चाहते थे कि मनीषा जो है प्रॉपर्टी मनीष के नाम कर दे सारी, कि ये घर का चिराग है, घर का लड़का है, तेरा इस पे कोई हक नहीं, क्योंकि तू तो कल पराए घर चली जाएगी, ये हमारे लड़के को दे दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। काफी बार मनीषा के घर वालों ने उसके ऊपर वायलेंस भी किया, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ब्रेव थी वो, उसने सिग्नेचर नहीं करे है। तो ये स्टोरी चलती रही ऐसी काफी टाइम तक, वो अपना पढ़ाई वगैरह करती रही, और बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि उसको ये फीस वगैरह नहीं देते थे स्कूल की, खाना वगैरह नहीं देते थे, रातों को उसे कमरे में बंद कर देते थे कि सिग्नेचर कर, हमें प्रॉपर्टी चाहिए। ये सब के चलते आगे चल के होता गया है कि मनीष की जब शादी हो जाती है तो उसकी भाभी घर पे आती है मनीषा की, जिसका नाम होता है शिखा। और भाई बदकिस्मती से शिखा इतनी खराब औरत होती है कि वो उन लोग से भी ज्यादा बेकार होती है, मतलब मनीषा के घर वालों से भी। शिखा हमेशा मनीषा के साथ गलत बिहेवियर करती थी, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती थी घर पे, जिससे कि घर वाले और उसको परेशान करें, ये लड़की ऐसी है, बाहर जाती है, ये है वो है, इसके बारे में जो यूजुअली लड़की के और लड़कियों के बारे में बात होती रहती है उल्टी सीधी, वो आग लगाने का काम करती थी पूरा, ये भूल के कि वो भी एक औरत है, वो भी किसी की लड़की है। अब वो हमेशा चाहती थी कि सारे जो प्रॉपर्टी है मनीष के नाम हो जाए। शिखा की शादी के बाद भी उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है पवन, ये घर पे आता रहता है, जिसके बारे में मनीषा को जब पता लगता है वो अपने भैया को बताती है कि ऐसा ऐसा सीन है, भाभी से मिलने एक लड़का आता है और इनके बीच चल रहा है चीजें। मनीष भी लाइक चलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसे ऑलरेडी पता होता है। अब पता नहीं ये सब चीजें क्या है, ये ज्यादा पर्सनल है, इन्हें छोड़ देते हैं। सो हर दिन की तरह शिखा अपने ऑफिस गई होती है, जब 8 बजे वो अपने ऑफिस से घर आ रही होती है तो वो घर आ जाती है 8:30 तक अपना आराम से खाना वाना खाती है। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि उसके घर वाले उसे अक्सर पहले भी टॉर्चर कर चुके हैं सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन उस दिन चीजें जो है बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। सो मनीषा को पता लगता है कि 1 नवंबर की रात को उसके घर पे और एक इंसान है, जो है पवन, मतलब भैया भी घर पे है, भाभी भी है, भाभी का बॉयफ्रेंड भी घर पे है। वो तीनों लोग मिलकर उसे कन्विंस करते हैं कि सिग्नेचर कर दे, प्रॉपर्टीज के पेपर पे सिग्नेचर कर दे। वो हमेशा की तरह नहीं करती है, फिर वो मारपीट पे उतरता है, वो तब भी नहीं करती है। बाद में वो तीनों लोग मिलकर उसकी जान ले लेते हैं, उसे मारते हैं बेरहमी से, ब्रीफकेस में बंद करते हैं और ले जाते हैं गाड़ी में डाल के, ठीक है, जला देते हैं उसे। कोई FIR नहीं करते हैं वो, किसी से कोई मतलब नहीं। जब रिश्तेदार पूछते कहाँ है वो, तो वो भी ऐसे ही नाटक करते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कहाँ है, शायद वो भाग गई है किसी के साथ, उसका FIR चल रहा था, ऑफिस के लड़के के साथ भाग गया, ऐसी अफवाह फैला देते हैं, क्योंकि सारे हरामी बड़े भरे पड़े हैं, भाभी उसकी उससे भी ज्यादा डायन, भैया उससे भी ज्यादा पागल। वेल, मुझे अभी तुम्हें बताने की खास जरूरत है नहीं कि मनीष किस तरह का इंसान था, क्या उसकी मेंटेलिटी थी जो अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकता है, वो इंसान ही नहीं है भाई, राक्षस है। सो ऑफिस के लोग, उसके दोस्त काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं कि क्या हुआ उस बेचारे
बेचारी को कोई अता पता नहीं होता है। 1 अक्टूबर से 3-4 अक्टूबर निकल जाती है, जो मनीषा का चचेरा भाई होता है मतलब चाचा का लड़का होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है कि इंस्पेक्टर साहब पता नहीं हमारी बहन कहाँ है, गायब है, और ये जो घर के हैं ये उसके साथ हमेशा बुरा अत्याचार करते थे। ये सब जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस कहती है कि हमें भागपत जिला पे एक बॉडी मिली है 1 नवंबर को जो आधी जली हुई थी। फिर वो जांच पड़ताल शुरू करते हैं मनीषा के बारे, उससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके चचेरे भाई से। जब शक होना शुरू होता है पुलिस को तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कैसे ना कैसे करके सच पता लगा लेती है। सो रात के टाइम जब वो उस बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो वो एक कार में ले जाते हैं, और जिस जिस एरिया से वो लेके जाते हैं वहां की पुलिस जो सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है, मतलब उस एरिया के जितनी पॉसिबल रास्ते हैं उन रास्ते हैं वहां की वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उसमें उन्हें एक गाड़ी नजर आती है। उस गाड़ी में से जब वो लोग उसे निकाल रहे होते हैं वो भी एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है। ब्रीकेस जब वो निकालते हैं, ब्रीकेस निकालने के बाद जब गाड़ी का नंबर की जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है कि वो मनीष के नाम पे गाड़ी है, और ये देख के पुलिस चौंक जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और जारी रखती है। जब सबूत मिलने के बाद वो मनीष और उसकी बीबी को उठाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, वो नहीं बताते हैं कि हमें नहीं पता भाई हमारी तो बहन गई है, तुम हमारे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो, हम तो खुद परेशान हैं। बट थोड़े टाइम बाद जब पुलिस वाले मारपीट करते हैं तो वो बता देते हैं सच। सो इस सब चीज के बाद भैया बोले तो मनीष और उसकी बीबी शिखा ये पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस ने इन्हें पकड़ रखा है, इन्हें सजा भी मिलने वाली है। लेकिन जो तीसरा बंदा था पवन, उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों, या तो शायद उन लोगों ने उसका नाम नहीं लिया या फिर पता नहीं क्या कुछ भी सीन हो सकता है। मैंने एक वीडियो देखा था जो कि रील काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उससे उसके थ्रू मुझे पता चला है, और बाकी न्यूज में भी पवन का कहीं पे जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग, जो कि करना चाहिए। अगर वो भी सब चीज में इंक्लूड है तो भाई वो भी शराखों के पीछे होना चाहिए। सो तुम देख रहे हो दुनिया किस तरीके से बेरहम बनती जा रही है, लालच के पीछे सब पागल हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे इतने लालच का, क्या करेंगे इस सब चीज का, अभी क्या करेगा भाई, अभी तो जेल में बैठ के चक्की पीसोगे बेटे, ले लो प्रॉपर्टी कर लो अपने सारे नाम। मनीषा भी यहाँ पे थोड़ी गलत है, अगर मनीषा ये सारी कंप्लेंट पहले ही पुलिस को करती कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता है तो शायद वो आज इस दुनिया में होती, या फिर लोगों को समझ होती, या फिर ये लोग कुछ भी करने से डर रहे होते। बट उसने सोचा कि मेरा भाई है, मैं इसको परेशान नहीं करती हूँ, जो कि मनीष ने कभी नहीं सोचा मनीषा के लिए, दिल में अपने बहन के लिए कभी प्यार नहीं आया। काश मनीषा पहले ही अपने लिए कदम उठा चुकी होती, पुलिस को बता चुकी होती, तो शायद आज ये सब ना होता। सो ठीक है, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, इतनी ही सारी स्टोरी थी। और ख्याल रखो भाई अपना, अपने आसपास के लोगों का, यार पता नहीं भाई क्या करोगे भाई, पैसे का क्या करोगे, लालच का, जो अपने ही तुम्हारे साथ नहीं होंगे हैं। गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम आज किसी के लिए गलत कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ 101% होना है, ठीक है। अच्छा काम करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम भले ही ये सोचो कि हम तो अच्छे लोग हैं, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, होता अच्छा होता है, टाइम आने पर सब अच्छा होता है। मनीषा के साथ क्यों नहीं हुआ आप तुम पूछोगे, शायद उसके लिए दुनिया से जाना अच्छा होगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।